हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है और इस बाइक का पेट्रोल ढक्कन बंद नहीं होता है। ये जो लॉक है ये लॉक नहीं हो रहा है, ये जो ढक्कन आप लोग देख रहे हो ये ढक्कन लॉक नहीं हो रहा है। तो बाकी का लॉक इसका सब तो सही है, सिर्फ जो ढक्कन वाली प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है। क्या देखो ना, तो ये लॉक हो नहीं रहा है, ये ऐसे ही खुल जाता है, ये इस तरीके से लॉक नहीं हो रहा है। तो इसी को आज हमको जो इसका लॉक चेंज करना है, चेंज कैसे करना वो बताएंगे आप लोगों को। ये लॉक जो है सिंगल मिल जाता है, आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला लॉक, ये सिंगल एक अलग से मिल जाता है, ये वाला लॉक। तो ये लॉक ख़राब है, इस लॉक को चेंज कैसे करना वो बताएंगे और नए की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले इसे हम निकालना कैसे वो बताते हैं। तो प्लास लेना और प्लास से इस पट्टी को खींचना है, ये लॉक रहता है इसका। अब यहाँ पे जो है देखो, लॉक भी निकल जाएगा और एक पट्टी जो इसके बीच में लगी हुई है वो भी निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। इस लॉक को आप अलग कर लेंगे, देखो इस साइड से ये निकल जाएगा, ये निकल गया बाहर। चलो अब ये जो है सारा सामान यहाँ से हटाते हैं और नया लॉक आप लोगों को दिखाते हैं। तो नया लेके आते हैं, ये ख़राब हो गया है। तो ये है नया, ये देख लो नया जेन्युइन पार्ट से, बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट से। इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देखो पेट्रोल टैंक के LED लॉक किट और इसकी प्राइस 75 रुपीज़। स्प्लेंडर ओल्ड वाली जो है, ओल्ड न्यू सब में सेम ही लगता है, यही लॉक लगेगा। ओल्ड वाले में भी यही लॉक लगेगा, जो BS4 है, BS2, BS3 ये जो है इनमें भी यही लॉक लगेगा, और स्प्लेंडर BS6 जो है उसमें भी यही लॉक लगेगा पेट्रोल टैंक के ढक्कन में। इसको खोलते हैं, निकालते हैं बाहर और लॉक आप लोगों को दिखाते हैं। ये दो चाबी और एक लॉक, तो ये है लॉक हमारा, जो पेट्रोल टैंक के ढक्कन है उसका लॉक, बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट से। देखो ये पूरा किट आया है, पट्टी वगैरह जो है वो सब साथ में इसके आई हैं। चाबी, दो चाबी, ये दो चाबी इसके साथ में, दो पट्टी और एक लॉक। तो चलो इसको लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो इस लॉक को यहाँ पे देखो, एक पॉइंट निकला हुआ है, एक पॉइंट इस कैप में निकला हुआ है, तो हमको इसी के सामने इसको लगाना है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दबा देना है और ये लग जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक वाइसर हमको लगाना है, तो चलो ये वाला जो एक कट वाला वाइसर है ये, अब इसको उसी पॉइंट में मिलाना है ये वाले को। चलो ये देखो, ये मैंने बिठा लिया, ये देखो उसी पॉइंट पे बिठा दिया वाइसर को। अब इसका जो लॉक है, लॉक लेते हैं ये रहा, तो इसे इसी के सामने जो पॉइंट निकला, पॉइंट के सामने से ही इसे लॉक कर देना है। चलो मैं इसे लॉक करता हूँ, काफ़ी मजबूत आता है, देखो निकल गया सारा कुछ। चलो मैं लॉक लगा लेता हूँ, है ना, लॉक लगा लिया मैंने, ये देखो उसी पॉइंट पे मैंने इसे अटैच किया है। अब इसे चेक करते हैं, लगा तो हमने फिटिंग तो कर दिया, अब इसे चेक कर लेते हैं कैसे इसका लॉक भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाबी तो बैठ गई, नीचे ले जाते हैं और ये प्रॉपर लॉक हो चुका है। देखो ये ढक्कन खुल जा रहा था, वो समस्या सॉल्व हो गई है। इसे वापस से खोलते हैं, वापस से एक बार चेक करते हैं। ये देखो ये खुल गया, ये नीचे लेके गया, थोड़ा सा दबाया और ये लॉक हो गया। तो इस तरीके से हमने इसे चेंज कर, जो पुराना वाला ये पूरा ख़राब हो चुका था। पूरा किट बहुत महंगी भी नहीं है, 75 रुपीज़ की है। बाकी चलो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना।